ये तो आप जानते ही होंगे कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर शेर झुंड में ही क्यों नजर आते हैं? वैसे तो धरती पर शेरों का अस्तित्व काफी पुराना है, लेकिन उनके इतिहास के बारे में जानना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जानवरों के जीवाश्म ज़्यादातर मिलते नहीं हैं। हालांकि कुछ साल पहले ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉस बार्टेन ने दुनिया भर के म्यूजियम में रखे विभिन्न प्रजातियों के शेरों के जीवाश्म का अध्ययन किया था, जिनके मुताबिक आधुनिक शेरों का इतिहास करीब 1,24,000 साल पुराना है। वैसे तो शेर बिल्ली प्रजाति का एक खतरनाक जानवर है, लेकिन बिल्लियों की कुछ ही प्रजातियां दहाड़ सकती हैं, जिसमें शेर से लेकर बाघ और जैगुआर शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन जानवरों का गला ही ऐसा होता है कि वो दहाड़ सकते हैं। वैसे तो शेरों की दहाड़ बहुत ही तेज और खतरनाक होती है, लेकिन इस बात का पता आज तक नहीं चल सका कि वे इतनी तेज क्यों दौड़ते हैं। शेरों के लंबे बालों का रहस्य बड़ा ही गहरा है। माना जाता है कि नर शेर अपने बालों का इस्तेमाल शेरनियों को रिझाने के लिए करते हैं। शेरनियाँ उनके लंबे बालों को देखकर ही उनके प्रति आकर्षित होती हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये बाल नर शेरों को लड़ने भिड़ने में घायल होने से बचाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके पक्के सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। शेरों की कुछ प्रजातियाँ बेहद ही रहस्यमय होती हैं। इसमें बारबरी शेरों को सबसे ज़्यादा रहस्यमय माना जाता है। इनका सिर, बाल और आकार बाकी शेरों की अपेक्षा काफ़ी अलग होता है। शेरों की इस प्रजाति को आज विलुप्त माना जाता है। 1960 के दशक में इन्हें आखिरी बार मेक्सिको और अल्जीरिया में देखा गया था। शेर हमेशा झुंड में रहते हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाती है। माना जाता है कि मादा शेर शिकार के उद्देश्य से समूह में रहना पसंद करती हैं, लेकिन इसके कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शेर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए समूह में रहते हैं। उनका मानना होता है कि जितना बड़ा उनका समूह होगा, उतने ही बड़े इलाके पर उनका कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।